हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के दिमाग में नहीं, दिल में बसती हूँ, इस चीज की तो मैं गारंटी लेती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि मैं शायद अच्छी भी लग रही होंगी। स्पेशली मैं आप लोगों के लिए रेडी हुई हूँ, स्पेशली यूट्यूब वीडियो के लिए रेडी हुई हूँ। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों बाद वीडियोज डालती हूँ, क्या करूँ गाइस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कलाकार भी हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं एक दिन के अंदर, और कभी कभी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन YouTube मेरे लिए एकदम नया प्लेटफॉर्म है, मुझे इसमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इसका मेथड क्या है, इस पर किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए। लेकिन वो सब चीज़ को साइड में रखते हुए मेरा जो फॉर्मूला है, मैं जो जिस तरीके की वीडियो बनाती हूँ, जिस तरीके की मैं लाइफ स्टाइल में, वो ही यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ। तो गाइज, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर रियल चीज़ें जानना चाहते हैं, जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें जानना चाहते हैं, जिंदगी के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, सच्ची बातों के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ मैं ही हूँ, हेमा श्री। तो प्लीज आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आजकल लोग फेक चीजें क्यों देखते हैं, जहां पर रियल चीजें होती है आदमी वहां पर देखकर फटाक से स्लाइड कर देता है। तो प्लीज गाइज, अगर आपको रियल चीजें देखनी है, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो लाइफ के बारे में हो, तो वो सिर्फ मैं ही आपको अश्योर करा सकती हूँ। तो चलिए, बातों में ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन के बारे में, स्किन की एक ऐसी टिप मैं आपको देने वाली हूँ जो एकदम नेचुरल है और जो रियल है, वो मैं यूज करती हूँ अपनी रेगुलर लाइफ में, यस, और उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है। तो गाइस, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मैंने कोई भी फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं किया गया है, अगर आपको लगता है कि मेरी स्किन बड़ी अच्छी लग रही है, चमक रही है, तो मेरा यकीन मानिए, मैं सनस्क्रीन के अलावा कोई भी फाउंडेशन वगैरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ, अनलेस अगर मुझे बोला ना जाए कि हेमा जी प्लीज़ वियर अ मेकअप और अप्लाई सम फाउंडेशन, अदरवाइज आई डोंट फील कॉन्फिडेंस वाइल यूजिंग अ फाउंडेशन, यू नो आई फील मोर कॉन्फिडेंस विद माई नेचुरल स्किन। तो अगर आप नेचुरल स्किन के साथ कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस, मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ नाइट क्रीम के बारे में, जो बहुत ही फायदेमंद है, और आप उसको लगाने के लिए, उसको खरीदने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि यही मैं यूज़ कर रही हूँ ना जाने कितने सालों से, मुझे पता नहीं। और मेरा यकीन मानिएगा दोस्त कि मैं कोई भी, कितनी भी एक्सपेंसिव क्रीम होने दो, कितनी भी अच्छी ब्रांडेड की होने दो, मैं कभी भी नाइट क्रीम के बारे में नहीं सोचती हूँ। जी हाँ, मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ कि मुझे एक अच्छी नाइट क्रीम खरीदनी चाहिए। तो वो क्या है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये एलोवेरा, आई थिंक हर कोई जानता है कि एलोवेरा क्या है, मेरे पास अब पतंजलि का भी एलोवेरा जेल है, और ये रियल एलोवेरा जेल है, लीफ है एक्चुअली, मैंने अभी जस्ट अपने फ्लावर पॉट से तोड़ा है आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए। सो गाइस, आप इसके अंदर देखिए, ये जेल है, मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ बहुत ही सीधे शब्दों में कि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सिर्फ यही जो जेल है वो ही आप जेल सिर्फ रात में अप्लाई कीजिए, अच्छे से फेस वॉश करने के बाद, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि आप कोकोनट ऑयल से भी फेस अपना अच्छे से वॉश कर सकते हैं, पूरा टैनिंग निकल जाता है और एकदम ग्लो फेस करता है, तो रात में आपको कोई भी, कितनी भी अच्छी क्रीम हो, कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमेशा अपनी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो चाहते हैं, रिंकल्स हटाना चाहते हैं, तो एलोवेरा जेल से अच्छा कुछ भी नहीं है, मेरा आप यकीन कीजिए। मैं न जाने कितने सालों से ये इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरा दिमाग 1% भी नहीं भटकता है। तो एलोवेरा जेल के साथ साथ आप क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ देखिए, ये बिल्कुल भी स्टिकी भी नहीं लगता है, मैंने सिर्फ अभी आप इसको लीफ को यहाँ से हटा लीजिए, ओके। हटाने के बाद अभी मैं इसको नहीं वेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि मैं इसको रात को अप्लाई करूँगी। ये हटाने के बाद अंदर का जो जेल है, आप इसको ऐसे ऐसे लेके लगाइए, आप जितना रब कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट भी अगर आप करते हैं, और उसके बाद आप सो जाइए, मेरा यकीन कीजिए, ये बिल्कुल भी, ये देखिए मैंने फिर से अपने हाथ पे लिया है और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। ये पतंजलि जेल जो है, मैंने अगर मैं बाय चांस कभी लीफ नहीं तोड़ पाती हूँ, कभी भूल जाती हूँ,
तो फिर भी मैं सिर्फ यही अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे रात को, और कुछ भी अप्लाई किसी भी तरीके की कोई क्रीम अप्लाई नहीं करती हूँ। इस पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ गाइस, आई एम वेरी ऑनेस्ट। बट मैंने अपने घर पे एलोवेरा लीफ लगाए हुए हैं, सो प्लीज़ गाइस आप ये सब मत खरीदिए, आज ही एलोवेरा लीफ आप खरीदिए अपने घर पे, वही लगाइए। और आप मेरा यकीन मानिए, आप अपनी बॉडी पे भी उसको लगा सकते हैं, यू नो यू कैन अप्लाई एवरीवेयर, नेक पे, यहाँ पर, और आप मेरा यकीन कीजिए। अगर आपको लगता है हेमा तुम्हारी स्किन अच्छी है तो ये सिर्फ एलोवेरा की वजह से, इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद, इससे ज़्यादा नेचुरल, इससे ज़्यादा अच्छी जो है फॉर्मूला प्रोडक्ट मैं आपको नहीं बता सकती। दिस इज़ द वन ऑफ द एलोवेरा, यू नो द प्रोडक्ट जो जो जिस चीज़ में पड़ता है उसमें जान आ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि शायद आप इस मेरी बात से, इस फॉर्मूला से, इस ट्रिक से, इस टिप से आप लोग एग्री करेंगे और अप्लाई करेंगे आज से ही। इट डजेंट मैटर आपका, आपके फेस पर रिंकल्स हैं, आपके फेस पर झुर्रियाँ हैं, यू नो उससे मैटर नहीं करता। आप इसको हफ्ता आप यूज़ कीजिए, और यू नो 5 मिनट 10 मिनट आप जितनी भी टाइम आप रब कर सकते हैं आप कीजिए। मेरी मम्मी ने ही अप्लाई किया था, जब मेरी मम्मी यहाँ पर आती है और उसके चेहरे में एक्चुअली फ़र्क नज़र आता है, वो ग्लो करने लगती है। सो गाइज आज ही आप ये ट्राई कीजिए। और यस, मुझे मेरी लास्ट वाली जो वीडियो थी बिंदी वाली, मेरी बहन ने वो फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड यू नो उसको बहुत सारे लड़कों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि वाओ रजनी यू आर लुकिंग सो डिफरेंट यू नो विद दिस बिंदी। सो आज मैंने वो बिंदी इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि इस ड्रेस के ऊपर वो बिंदी नहीं मैच होती। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सी ड्रेस के ऊपर क्या बिंदी सूट होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं हेमा शर्मा मेरे रियल फंडों के साथ, रियल चीज़ों के साथ आपकी मेरी आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो। सो गाइस ये जो भी फॉर्मूला है, आप लड़के हो लड़की हो, यू नो लड़कों की भी स्किन मैटर करती है, ओके तो अगर आप डस्ट में, धूल मिट्टी में अगर आप काम करते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, बाइक से जाते हैं, जस्ट आपको रात को यही अच्छे से फेस वॉश करके ये अप्लाई करना है। और आप सुबह उठ के, मैं एवरीडे अपनी स्किन को बड़ी फ्रेश फील करती हूँ, और मुझे देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, यू कैन फील इट, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, यू नो। तो सबसे अच्छी बात यही कि आप इसको ओवरनाइट अप्लाई करते हैं और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता है, यू नो बिल्कुल भी क्रीमी नहीं लगता है, बिल्कुल भी यू नो इट्स लाइक कि यू नो अरे यार चिपचिपाहट हो रही है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हम चिपचिपाहट से घबराते हैं हम, यू नो। सो गाइज आप आज ही ट्राई कीजिए, और उसके साथ साथ आप इस एलोवेरा जेल में और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा इफेक्टिवल हो, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि मैं कभी प्लेन एलोवेरा लीफ अप्लाई करती हूँ, कभी कभी मैं उसमें कुछ कुछ चीज़ें भी ऐड कर लेती हूँ जब यू नो मैं कुछ अलग मूड में होती हूँ। और स्पेशली बालों के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको हेयर अपने सिल्की करने हैं तो गाइस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं ही आपको सिर्फ वही बताने वाली जो मैं अप्लाई करती हूँ, जो सुना है वो नहीं। सो बिलीव करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ कि आप लोग भी मेरी बात पे बिलीव और ट्रस्ट करेंगे। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब मत कीजिए, हाँ ओके मेरी बात में दम है कि नहीं, दम है तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों की कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज ही अप्लाई कीजिए, ओके तो ये थी मैं हेमा श्री, आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखिए, लव यू, और भूलना नहीं, बाय बाय।